हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फिट फिजियो प्लेटफॉर्म। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज हम बात करेंगे नेक पेन और स्टिफनेस की, जो कॉमनली आपको हो जाती है जब आप सोकर उठते हैं उसके बाद। तो दोस्तों, ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम सोते वक्त या हमारी लाइफस्टाइल में करते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम हमें आती है। जैसे कि कुछ लोग सोते वक्त बहुत ज्यादा ऊंचे तकिए का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों को पेट के बल सोने की आदत होती है, तो उससे क्या होता है, हमारी जो नेक है वो एक साइड रोटेट रहती है काफी देर तक, जिसके कारण हमारे नेक मसल्स पर स्ट्रेन बना रहता है। और साथ ही ये उन लोगों में भी कॉमन प्रॉब्लम है जो लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल पर बहुत ज्यादा देर तक काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल से एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जिनको करके आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। सो विद दैट, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो टुडे। सो व्यूअर्स, यदि आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है और ये पेन जो है आपको 3 दिन से ज्यादा टाइम से बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, आप हॉट पैक का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि आपको गर्म पानी से अपने गर्दन की सेक करनी है। इससे क्या होगा, आपके जो मसल्स हैं गर्दन के वो थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे और साथ ही आपको जो दर्द है वो भी कम होगा। इसके बाद आप एक्सरसाइज करें। और यदि अभी 3 दिन से कम हुआ है लेकिन सीवियर पेन है आपको, तो आप फिर कोल्ड पैक या फिर आप जो हमारा बर्फ होता है उसको टॉवल में रैप करके आप अपनी गर्दन पर रखें। दोनों ही कंडीशन में आपको 10 से 15 मिनट की सिकाई करनी है और दिन में 2 से 3 बार इसे आप रिपीट करेंगे। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइज में आज हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, इसके बाद हम देखेंगे रेंज ऑफ मोशन और करेक्शनल एक्सरसाइज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कि हर स्ट्रेच को आपको होल्ड करना है करीब 30 सेकंड तक, 10 से 15 सेकंड का आप रेस्ट लेंगे, फिर इसके बाद आप 2 से 3 बार इसे दोहराएंगे। तो आपको लेफ्ट साइड पे 3 स्ट्रेच करनी है, राइट साइड पे 3 स्ट्रेच करनी है, होल्ड करेंगे 30 सेकंड और रेस्ट लेंगे 10 से 15 सेकंड का। तो चलिए, सबसे पहले हम एक्सरसाइज जो देखने वाले हैं स्ट्रेचिंग, वो है हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टर्ड, यानी कि SCM। नाम बहुत बड़ा है, स्ट्रेच काफी आसान है। तो किस तरीके से आप करेंगे, सिंपली आप चेयर पर बैठकर भी एक्सरसाइज को कर सकते हैं या खड़े रहकर। क्या करना है आपको, इस तरीके से गर्दन को आप ग्रैब करेंगे और साइड में फ्लेक्स कर लेना है। यहाँ पे नॉर्मली इसको आपको 30 सेकंड तक होल्ड करना है। ध्यान रहे, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लगाना है, माइल्ड स्ट्रेच आपको नेक के इस रीजन में फील होगा। 30 सेकंड के बाद आप न्यूट्रल पोजिशन में आ जाएंगे और रेस्ट करेंगे करीब 10 से 15 सेकंड के लिए। अब फिर से 15 सेकंड के बाद आपको वापस से दोहराना है। नॉर्मल आप सांस लेते रहेंगे, माइल्ड स्ट्रेच करना है आपको, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। ये आपके जो नेक के स्टर्नोक्लीडोमास्टर्ड जो मसल है उसको रिलैक्स करेगी। तो इसे आप 3 बार दोहराएं, फिर ऑपोजिट साइड पर से आप करें। अब आते हैं हमारी दूसरी स्ट्रेच पर। दूसरी स्ट्रेच जो है हमारी ट्रेपेजियस स्ट्रेच है। ट्रेपेजियस मसल में आपको बता दूं, ये वाला जो मसल होता है इसे हम ट्रेपेजियस मसल बोलते हैं। इसको भी स्ट्रेच करने का तरीका लगभग बहुत सिमिलर है। किस तरीके से आपको करना है, सिर्फ इसमें एक हमारा जो चेंज है वो ये रहेगा कि हमें अपने शोल्डर को थोड़ा सा ड्रॉप कर देना है इस तरीके से नीचे की तरफ, फिर हम सिमिलरली इसको दोहराएंगे। अगेन इसको हम होल्ड करेंगे करीब 30 सेकंड तक, नॉर्मल आप सांस लेते रहें, वापस आप अपने रिलैक्स पोजीशन में आ जाएं और 10 से 15 सेकंड का आप रेस्ट करें। अब कुछ लोग हो सकता है जिनको प्रॉब्लम आए इसको ड्रॉप करने में, या फिर वो इस तरीके से कुछ करेंगे, तो ऐसा अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है कंधे को ड्रॉप करने के लिए, तो आपको मैं सिंपल से तरीका बताता हूं। आप दूसरे हाथ से अपनी रिस्ट को इस तरीके से होल्ड कर लें, इसको नीचे की तरफ पुल करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं यहां पर मेरा जो शोल्डर है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो गया है। अब सिंपली मुझे अपनी गर्दन को दूसरी साइड पर फ्लेक्स यानी कि मोड़ देना है। काफी अच्छा स्ट्रेच मैं महसूस कर रहा हूं अपने ट्रेपेजियस मसल पर। करीब 30 सेकंड से भी आप होल्ड करें और नॉर्मली आप फिर 10 से 15 सेकंड रिलैक्स करेंगे और 3 बार इसे रिपीट करेंगे। ध्यान रखें आपको ऑपोजिट साइड पर भी इसको रिपीट करना है। तो सिंपल सी हमारी जो तीसरी स्ट्रेच है वो है लिवेटर स्कैपुली स्ट्रेच। लिवेटर स्कैपुली के लिए आपको क्या करना है, अपने नेक को थोड़ा सा रोटेट कर लें। अब नीचे की तरफ आप जब देखेंगे तो आपको अपनी जेब की तरफ देखना है एग्जैक्टली, और फिर इस हाथ का सहारा लेकर आप माइल्ड स्ट्रेच लगाएंगे अपने ऊपर, आपके नेक पर पीछे के जो लिवेटर स्कैपुली मसल है उसको स्ट्रेच कर रहे हैं हम। 30 सेकंड करीब होल्ड करेंगे इसको, वापस आप रिलैक्स करेंगे 10 से 15 सेकंड तक। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी आपको करके दिखाता हूं। नेक को आपने रोटेट किया, पॉकेट की तरफ देखा। नाउ यू विल टेक योर लेफ्ट आर्म
एंड देन जस्ट माइल्डली आपको गर्दन को नीचे की तरफ माइल्ड प्रेशर लगाकर स्ट्रेच करना है। तो हर स्ट्रेच को आप होल्ड करेंगे करीब 30 सेकंड तक और 10 से 15 सेकंड का आप रेस्ट लेंगे और 3 रेपिटेशन आपको करनी है। अब बात करते हैं हम करेक्शनल एक्सरसाइजेस की। तो ये जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थी इससे हमारे मसल्स रिलैक्स हो गए हैं, अब हमें उसकी पोजीशन को भी करेक्ट करना है। हमारे जो नेक की एबनॉर्मल पोजीशन जो है, जो पोस्चर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, उसको हम किस तरीके से करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो मैं बताना चाहूंगा आपको है शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन। इसमें क्या करना है आपको, सिंपली आप 90 डिग्री पर अपने जो एल्बोज है उनको फ्लेक्स कर लें यानी कि मोड़ लें, फिर आप साइड में रखते हुए अपने हाथों को एल्बोज पीछे लेके जाइए। अब इसमें हमारा जो मेन पर्पस है वो है हमारी जो पीछे की जो स्केपुलर बोन्स है, मतलब ये दोनों बोन्स उनको अप्रोक्सीमेट पास में लेकर आना है आपको। आप जितना करीब लेकर आएंगे उतना अच्छा है, और पीछे जाकर आपको होल्ड करना है करीब 3 सेकंड तक। इस तरीके से हम पीछे लेकर जाएंगे, 1 2 3, फिर से करेंगे 1 2 3। इससे क्या होगा, इससे आपके जो स्केपुलर मसल्स यानी कि जो अपर बैक के मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और साथ ही नेक के मसल्स होंगे रिलैक्स। कितनी बार करना है आपको, तो 10 से 15 रेपिटेशन आप इस एक्सरसाइज के करेंगे। अब आते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज पर जो कि है नेक रोटेशंस। नेक रोटेशन के लिए आपको सिर्फ अपने नेक को इस तरीके से रोटेट करना है, 5 सेकंड इस पोजीशन में आप होल्ड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, वापस आप आएंगे, फिर दूसरी साइड आप रोटेट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब इसमें यदि आपको रिस्ट्रिक्शन या पेन लग रहा है तो आप ध्यान रखें कि उसी रेंज में आपको एक्सरसाइज करनी है। फॉर एग्जाम्पल यदि यहां पर मैं लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा हूं, इसमें मेरी पूरी रेंज खुली हुई है, लेकिन जब मैं राइट साइड में जा रहा हूं तो यदि मुझे यहां पर रिस्ट्रिक्शन या पेन आ रहा है तो मैं अपने आप को इसी रेंज में रोक लूंगा और यहीं तक 5 काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5। वापस आया मैं, यहां तक पूरी रेंज आई, 1 2 3 4 5, और फिर यहां पर इस बार मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो मैं और आगे अपनी रेंज को लेकर जाऊंगा और 5 सेकंड करीब होल्ड करूंगा। इसको भी आपको 10 से 15 सेकंड करना है। अब आते हैं हमारी आखिरी एक्सरसाइज पर जो कि है चिन टक्स। ये हमारा जो फॉरवर्ड नेक पोस्चर रहता है यानी कि हमारी जो गर्दन कई लोगों की आगे की तरफ झुकी रहती है उसको करेक्ट करने में मदद करता है। हमारे जो डीप सर्वाइकल मसल्स हैं, सर्वाइकल फ्लेक्सर्स, इनको एक्टिवेट करता है और साथ ही हमारे जो गर्दन के पीछे वाले मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है। तो किस तरीके से करेंगे मैं आपको लेटरल व्यू में बताता हूं। इस तरीके से आप खड़े हो जाएं, ये जो उंगली है ये इंडिकेशन के लिए है कि इससे ज्यादा आगे हमारी गर्दन नहीं जानी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएं, होल्ड कर सकते हैं आप इस पोजीशन को करीब 2 से 3 सेकंड, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस एक्सरसाइज से क्या होता है, इस एक्सरसाइज से हमारे जो नेक की मोबिलिटी है यानी कि जो आपके वर्टेब्रा हैं, जो आपकी बोन्स हैं, उनके बीच का जो मूवमेंट रहता है वो इंप्रूव होता है और साथ ही हमें एक बेटर पोस्चर मिलता है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस आपको करनी है, डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको कोई भी इशू है नेक से रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं ताकि आगे मैं इसी से रिलेटेड कुछ और वीडियोस ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे सुन रहे थे यानी डॉक्टर विजीत को हमारे चैनल फिट फिजियो प्लेटफॉर्म पर। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज डॉक्टर विजीत साइनिंग ऑफ। थैंक यू।